नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने हिंदी विषय की शुरुआत इसके पहले वाले वीडियो में कर दी है, ठीक है। तो चलिए आज बढ़ते हैं पाठ्यक्रम दूसरे की तरफ। लेकिन जो आपका दूसरा दिया गया है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक में, ये एक कविता है, ठीक है। और कविता का शीर्षक है प्रार्थना। लेकिन उससे पहले आज हम लोग आज का सुविचार देख लेते। मेहनत का फल मीठा होता है प्यारे बच्चों। अगर आप जी जान लगा करके अगर आप मेहनत करते हो तो निश्चित तौर पे आपको उस काम में क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो किसी भी लक्ष्य के पीछे अगर पूरे एकाग्रता से अगर जुड़ जाता है, पूरा अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कर देता है, तो निश्चित ही भगवान उसको उस क्षेत्र में सफलता देते हैं। इसलिए कहा गया है कि मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो आज का जो शीर्षक है कविता का वो है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब आप समझते हो, जो सुबह आप लोग अपने स्कूल में प्रार्थना करते हो, ठीक है। तो ये प्रार्थना जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, ये एक विनती है जो इस पाठ्य पुस्तक में दिखाए गए आप जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता को गा करके सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इसका स्पष्टीकरण करूँगा और तत्पश्चात मैं आपको इसमें आए जो कठिन शब्द है उसका शब्दार्थ बताऊंगा। तो आपको इस कविता को पहले सुनना है, इसी प्रकार गायन करने के लिए आपको क्या करना है? अभ्यास करना है, ठीक है। तो देखिए कविता किस प्रकार से है। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सब भला देखे यही प्रार्थना हर द्वार से, दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही प्रार्थना हर द्वार से। सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से, काम आए हम किसी के रोज ये अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम स्नेह जीवन भर मिले, एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से। सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। प्यारे बच्चों, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है शंभु प्रसाद श्रीवास्तव। तो आपने देखा कि ये प्रार्थना का गायन आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है, लयवत और तालवत। तो हम चलो इस कविता का स्पष्टीकरण शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कविता में दिया गया है कि सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिले संसार से। जो आपके समान जो छोटे बच्चे हैं भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कि ऐसा आप कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि इस संसार में सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए, और जितने भी संसार में लोगों के जो कष्ट है दुख है वो सदैव के लिए क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, ठीक है। सब भला देखे यही प्रार्थना हर द्वार से, अर्थात हम सबका भला देखें। हमारे मन में हमेशा एक ऐसी भावना रहे कि हम दूसरों के दुख को कभी न देखें। हमारी नजर जहां तक जाए, दृष्टि जहां तक जाए, हे भगवान वहां तक के लोगों को आप क्या कर दो? सुखी कर दो, बराबर। उनके सारे कष्टों को आप क्या कर दो? हर दो, और सब क्या हो जाए? निरोगी हो जाए। तो इस प्रकार से इस पहले जो चार जो पंक्तियां दी गई है इसमें इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर कोई हमारे आसपास मुसीबत में है तो हे भगवान हमारे मन की जो वृत्ति है ना, आप इस प्रकार कर दो कि उनका जो कष्ट है वो कैसा लगे? वो हमारा स्वयं का कष्ट है, अर्थात हम जब किसी दूसरे को दुख संकट में देखें या दूसरे को कष्ट में देखें तो वो कष्ट हमें अपना लगने लगे और हम उसमें क्या करें? जाकर के सहयोग करें, ठीक है, जहां तक हमसे संभव हो पाए, ताकि क्या हो, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगह। ये भगवान हमारे मन में ऐसी भावना भर दो कि जिस इंसान को मैं दुखी देखूं
उसका दुख मुझे अपना लगे और मुझसे जहां तक यथा संभव हो पाए मैं जाकर के उसे क्या दूं, सहारा दूं। ऐसे मेरे मन में भावना भर दुआ। धर्म सेवा हो हमारा सब सुख मिले उपकार से। अगर हम ऐसी भावना रख रहे हैं ना तो समझ के चलिए कि हमारी सेवा कैसी है, मतलब हमारे मन की वृत्ति कैसी है, दूसरे को सेवा देने वाली धर्म सेवा वाली। इसलिए बोला गया धर्म सेवा हो हमारा, हमारा धर्म क्या हो, केवल सेवा करना हो। लेकिन सेवा भी कैसे प्यारे बच्चों, निष्काम भाव से। अगर हम किसी चीज की अपेक्षा रख करके सेवा करेंगे कि वो व्यक्ति मुझे इसके बदले में ये दे देगा, तो प्यारे बच्चों वो सेवा नहीं होता है। आपको सेवा का भी मैं उदाहरण देता हूँ, जिस प्रकार से दलिया अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वृक्ष अपने फल को स्वयं कभी नहीं खाता है, ठीक है, धरती स्वयं अपने लिए कभी कोई अनाज को नहीं रखती है, सदैव ये बांटने का ही कार्य करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे मन में भी क्या होना चाहिए, सेवा की भावना होना चाहिए, ठीक है। तो धर्म हमारा क्या हो, सेवा हो, सुख मिले उपकार से। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं ना, दूसरों की सेवा अगर निष्काम भाव से करते हैं, तो निस्संदेह ही इस उपकार का जो बदला है हमें भी सुख के रूप में ही मिलेगा। आप मेरी कल्पना कीजिए, अगर मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान इस संसार के सभी लोग सुखी हो जाए, तो क्या आप बताओ उसमें मैं नहीं आया, मैं भी तो आया। अर्थात आप ध्यान में रखिए कि जो इंसान अगर अक्सर दूसरों को फूल बांटता है ना, दूसरों को महकाने का काम करता है, उसका हाथ सबसे पहले महकने लगता है और उसे उसके ध्यान में भी नहीं आता है। तो फूल बांटने वालों के हाथ में खुशबू स्वयं ही लग जाती है, उसे कहीं महक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अर्थात जो अगर हम सुख का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो हम कहाँ बचेंगे, भगवान हमारा भी तो भला करेगा, क्योंकि उस संसार में हम भी आते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही प्रार्थना हर द्वार से। कि हम हर द्वार से यही प्रार्थना कर दें कि भगवान आप सबको क्या कर दो, सुखी कर दो, ठीक है। तो आपको ये सुन के जो चार पंक्तियां यहाँ पे और कुछ पंक्तियां जो यहाँ पे दी गई थी, आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगली पंक्ति में क्या कह रहे कभी सबू प्रसाद जी, कि काम आए हम किसी के रोज ये अवसर मिले। कि हे भगवान हम रोज दिन प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में काम आए, हमें ऐसे अवसर प्रदान करना, ठीक है। अगर हम रोज भी एक भलाई का काम करते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी सेवा का जो पुण्य है वो एक ही भरते जाएगा। कैसे, बूंद बूंद से कहा जाता है कि घड़ा भरता है, उसी प्रकार से आप जितनी सेवा करोगे ना, मतलब आपके पुण्य का जो फल है उतना ही क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए भगवान इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें ऐसा अवसर दो कि रोज हम किसी न किसी के काम आए, बुराई से बचते रहे हम स्नेह जीवन भर मिले, और हमारे रास्ते में कितने भी बुराई आए इस कार्य को करते समय हम उन बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम उन बुराइयों से क्या होंगे, बचते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम बुराई में लिप्त हो गए तो हो सकता है बुराई हमारे मन में भी प्रवेश कर जाए, चाहे वो अहंकार के रूप में ही क्यों ना हो, ठीक है, कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो लोगों का भला कर रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे कामों से मैं दूर रहूँ, ऐसी भावनाओं से मैं दूर रहूँ। इसलिए कभी क्या कर रहा है प्रार्थना, आप जैसा जो प्यारा छोटा सा बच्चा है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि बुराई से बचते रहे हम स्नेह जीवन भर मिले। मुझे क्या हो, दूसरों का केवल प्रेम मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सबकी सेवा करूं, ठीक है, सबके लिए मैं काम आऊं, मैं बुराइयों में लिप्त ना रहूं, और साथ ही साथ मुझे जीवन भर सबसे क्या मिले, स्नेह। स्नेह अर्थात क्या होता है, प्रेम, ठीक है। एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, मतलब मेरे रहते किसी एक का भी चेहरा ऐसा ना हो कि आंसुओं से भीगे, आंसुओं से भीगे अर्थात उसके जीवन में कोई दुख आए, ठीक है। तो ऐसा मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान मेरे इन नन्हे हाथों को आप ऐसी ताकत बख्शो, आप ऐसी हिम्मत दो कि मैं क्या करूँ, आजीवन लोगों की सेवा करते रहूँ, कष्ट में उनके काम आऊं, बुराइयों से बचते रहूं, और मेरा धर्म क्या हो, सेवा भाव धर्म हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये प्रार्थना में क्या कहा गया है, और आप भी नित्य प्रतिदिन अगर आप जब सुबह उठो तो उठने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श करो, अपने गुरुजनों को नमन करो, और उसके बाद अपने दिल की गहराइयों से पूरे मन से भगवान से बिल्कुल यही प्रार्थना मांगो।
आप देखोगे निश्चित ही जीवन में आपको हर जगह सुख ही सुख मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अगर जो सबकी भले की कामना करता है उसका भला पहले स्वयं हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आया होगा, और जैसे मैंने इसका सस्वर गायन किया बिल्कुल आप भी उसी प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। तो ये रहा कविता का गायन और स्पष्टीकरण। अब हम बढ़ते हैं इसके भावार्थ की तरफ। कविता में कुछ शब्द इस प्रकार से आए, जैसे सबसे पहला शब्द आया है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है कि विनंती करना या किसी के चरणों में अरदास करना। ठीक है, जैसे हम लोग भी कभी कभी कहते हैं ना कि सर आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे कल छुट्टी दे दीजिए। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में रिक्वेस्ट भी बोलते हो, इसका मतलब होता है विनंती करना या अरदास करना। दूसरा है कष्ट, ये भी कविता में एक शब्द आया। कष्ट का अर्थ होता है प्यारे बच्चों परेशानी, बराबर। परेशानी भी आप कह सकते हो, मुसीबत भी आप कह सकते हो। तीसरा है भला, भला का मतलब होता है अच्छा या तो नेक, बराबर। जैसे हम कहते हैं नेक काम है, ये अच्छा काम है या ये भलाई का काम है, तो तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। फिर है सुखी, सुखी का मतलब क्या होता है, खुश रहना। और पांचवा दिया गया है निरोगी, निरोगी का मतलब क्या है, स्वस्थ रहना या तो रोग मुक्त रहना, अर्थात कोई किसी प्रकार की बीमारी ना होना। और भी ऐसे कुछ शब्द आपकी कविता में आया है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे एक शब्द आया है स्नेह। स्नेह, स्नेह का अर्थ मतलब होता है प्यार, प्यार बोल सकते हो आप, या आप इसे प्रेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रार्थना का अर्थ विनंती और अरदास भी होता है, कहीं कष्ट देखो तो इसका अर्थ परेशानी भी होता है, भला मतलब अच्छा और नेक, और सुखी का मतलब खुश रहना, निरोगी मतलब स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना, और स्नेह का मतलब होता है प्यार भी आप समझ सकते हो और प्रेम भी समझ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कविता समझ में आया होगा और आप इसका जरूर घर पे इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आपको इसे अच्छे से अच्छे सुंदर अक्षर में लिखना है, इस कविता का जितना है ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है, और आपको इसका फोटो खींच के आने वाले जो शुक्रवार है उसको आपको ग्रुप में भेजना है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, अलविदा।